বর্তমান পর্যন্ত দুই তিনটা গান শুরু হওয়ার উচিত কিন্তু দোকার কথা এই সুন্দর খেলাকে থেকে আমার ওড়িশার সুন্দর সুন্দর প্রতিভা সম্পন্ন প্লেয়ার হলে আমার দুটি সুজন কিন্তু কৌশি প্লেয়ার মানে ভিতরে কৌশি প্রকার যোজনাবদ্ধ গেম দেখা দিয়ে মিলবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার बिल्कुल स्ट्रेटेजी और जो गेम प्लान की पूरी तरीके से और मैं बिल्कुल खासा दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला कॉर्नर किक आता हुआ चांसेस जरूर बना है कॉर्नर किक का देखना पड़ेगा ये कॉर्नर किक क्या गोल में तब्दील होगा या ये भी पहले जैसे असफलता दिखेगा बढ़िया किक नियर पोस्ट पे डालने की कोशिश फार पोस्ट से हेडर आया फार पोस्ट से हेडर आया लेकिन गेंद क्लियर हो गया अभी चांसेस है खड़ा हंडी के सात नंबर खिलाड़ी जबरदस्त दौड़ लगाने वाले तेज तरीन खिलाड़ी गेंद को लेने के प्रयास में वही सात नंबर खिलाड़ी दुल्लू के पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस प्रकार पुर्तगाल के लिए खेलते हैं नंबर सात जर्सी वही नंबर सात जर्सी वाला खड़ा हंडी का ये खिलाड़ी पहले बनी बनाई हुई लेटक को बिना असिस्ट मेकिंग के कारण लगाना पड़ा था अभी उसी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे जो कहा जाता है कि और गेंद में भाग्य भी परिवर्तन करता है साइड चेंज हो चुका है पासों परिवर्तन हो कदम चुकता है और लगातार दोनों टीम जो कहा जाता है लगातार आक्रात्मक सोच के साथ ही आप विपत्ति को मात दे सकते हैं खुशी होती है ये काफी खासा दिलचस्प रहने वाला है ये दूसरा फिर से बार बार कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा है दोनों टीमों के सारे खिलाड़ियों का और फुटबॉल एक ऐसा खेल है क्रिकेट में आप एक खिलाड़ी का एक अच्छा इनिंग्स मैच को जिता सकता है लेकिन फुटबॉल में 11 खिलाड़ी का लगातार पैनापन लगातार एक अच्छा एटक जरूरी है जैसे देखिए लगातार मिडफील्ड में अब रहा है एक मैदान के यदि तीन भाग में आप विभक्त करेंगे तो एक मिड फॉर रहता है एक अटैकिंग फॉर और एक डिफेंसिव फॉर लगातार मिड फॉर में ये गेंद रहता हुआ आज का विलंब लेना यही है दोनों टीमों का गेम प्लान पूरी तरीके से चकनाचूर नजर आता हुआ फिर से लंबा क्लियरेंस के साथ इस मौके पर बर्गर के दोनों डिफेंसर लगे हुए हैं फिर से डिफेंड लाइन अभी मिडफील्ड को कंट्रोल करते हुए मिडफील्ड में ये गेंद फिर से थ्रू पास के माध्यम से अपने खिलाड़ी को डुबने की कोशिश अगले मौके पर जाकर गेंद को छीनते हुए कलाहांडी बॉल पोजीशन लेते हुए फिर से सात नंबर खिलाड़ी वही खिलाड़ी जो पहले से जबरदस्त अटैक बनाने के लिए जाने जाते हैं आगे यहाँ पे फिर से लेने की कोशिश और लंबे दूर से लिया गया लॉन्ग रेंजर के माध्यम से गोल पोस्ट के अंदर चार्ज के लेकिन कोई लाभ नहीं गोल पोस्ट के अंदर आप लगभग डी एरिया से चार्ज कर रहे हो लॉन्ग रेंज के माध्यम से गति होना चाहिए आपका फुटर में उस प्रकार का ऊंचा होना चाहिए तभी जाके आप विपक्ष को मात दे सकते हैं मानसिक रूप से चार्ज करना निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है लेकिन उसी एडवांटेज इंतजार करते हुए क्या आज गोल दिखेगा या टाई ब्रेकर फिनिश होगा ये तो बात बताएगा रेगु सफर तय करना है दोनों टीमों को देखना पड़ेगा कब तक गोल आती है कब तक सारे दर्शकों का जो इंतजार है वो इंतजार खत्म होती है देखना पड़ेगा अटैक तो बन रहा है जरूर लेकिन उस अटैक का कोई लाभ नहीं कहा जाता है अपॉर्चुनिटी एक आदमी को बार बार नहीं मिलता है उसी प्रकार दोनों टीमों को लगातार अपॉर्चुनिटी मिला है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अभी तक कड़ी निगरानी रखते हुए जिस प्रकार एक निगरानी रखते हुए और उनके दोनों सीधे जुड़ते हैं बरला कोट कोर्ट मार्शल खताब नहीं है बरला कोट बला मंडिया प्लेयर ने देखो बॉल मिली थी स्टार ओ तिहरी तरह से हाथ में फिर घड़ी की तरह इधर फिर भी चांस देते ओ किसी पर सीखे इधर है अगर जीवन में कभी हम तक पिला नहीं खाए तो नहीं खाते नहीं पर पिला देते हैं हिड़ी गिरी आती है यार कि नहीं देखी कि बॉल दो जाम इटा खाली थला ही खाली थला हां गैप रे वचे मैं देख रही चार्ज मार हमर कॉलेज का निश्चित भाव रे आए बाहर की तरह कपड़ा वाला आ गया बिल्कुल प्रकार की तरह लग सके बोलू तो जूता उड़े बोले हते मजा नहीं लगे इस फुटबॉल में कते लागू छे बोली रे बहुत की के देखे कने टिका तुम के फट के भी निशान का था और देखवा के नहीं मिले बोलू तो हां भी ठुके दी थी बोलू छे टीवी जंदा लागी छे देखो इमेजिंग करो ना गया टीवी नहीं लगवार इमेजिंग करो अपन के कल्पना आदेव ने बोले जब हमारा आ गया निश्चित भाव से रानीपुर हरियाल रे भी बोले थे ना गया अरे बाप रे अरे बाप अरे जैसे बोले तो यहां तुम क्या चुनते हो तुम ये ग्रीन बोला रे और बोला मैंने बड़ा बोल बोलो हुआ ऐसा ही तेरे फैंस का आईडी का नाम है लपरा आ गया चार भी निश्चित आ गया और मैच चली छे यहां पे हर किसी से कम नहीं बोल रही थी कौन छुपी जैसे पूरा पूर्ण मामला अलग है
ডানশালা লেকিন মেসেজ কিয়া হ্যাঁ 7 তারিখ সে ম্যাচ হতে যা রা অলরেডি সে ফুটবল কোনা খাইছে কে জানে যে হিসাবে উঠলুছে মুশকিল আর 10 তারিখ আমি ফের বলছি ফের রাখো ফের সাদা বড় এলা বিট বিট কিছু কাম এ নিসালে খেলতে নড়া তাই বেদরি গ্রামিট আর এস এ রাউন্ড খেলা স্কোর অ্যাসোসিয়েশন আর রেনবো ক্লাব গাউস কি টিম আমরা সামনে খেলেগে উসকে বাদ সেমপুর কি টিম सेमपुर रामपुर की टीम छोटी उड़ना की टीम खेलेंगे और उनमें से दो जीतेंगे 12 तारीख सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा उसके बाद ग्रैंड फिनाल 13 तारीख खेला जाएगा निश्चित तौर पर सभा साधन निमंत्रण है और बहुत सारे दर्शक आएंगे नियर राम मंदिर गढ़वीर आपको ये संदेश भेजे हैं बेलपुरा फुटबॉल एसोसिएशन ने निश्चित तौर पर बहुत सारे दर्शक ये नियतम पा के निश्चित तौर पर जाएंगे इनविटेशन को देखा सबके देखी जीवन लगे जैसे कि आपने अपना बिल पड़ा के दी नहीं नो प्लेयर नहीं ना यार बैक कर और बड़बड़ फुटबॉल खेलने के मैंने कुछ चाहो जबकि फील्ड ने गोल नहीं हला मतलब मजा नहीं ना और अपनी सुने गला माटी रे कहने दिया गया हमें पेनाल्टी के कम डिस्टेंस पर सुन पेनाल्टी ट्राई नहीं हुए सोएटा मैच रूम मात्र अति हुई थी बाकी 95 मिल रहे मैच रे फील्ड गोल ऐसी और ये फील्ड रे सदा वाले फील्ड गोल लगा बहुत लुक एक्शन और मैं नहीं चाहता कि ये फील्ड बताइए मैच में और क्या कुछ देखेंगे प्लान ए तो फेल हो गया अभी प्लान बी के हिसाब से खेल रहे हैं क्या अभी प्लान सी लेंगे दोनों टीम क्या कहेंगे आपके हिसाब से बिल्कुल अभी तक कस्मागत की स्थिति जद्दोजहद लगातार चलता हुआ मैन टू मैन मार्किंग और हैंड टू हैंड प्ले लगातार चलता है कोशिश लेकिन 60-40 का आंकड़ा में कलाहांडी जिस प्रकार थोड़ा सा अटैकिंग गेम दिखा रहे हैं लग रहा है कि यहीं से गोल आएगा कलाहांडी के लिए और भारी भरकम प्रसन्न राशि की भी व्यवस्था है कलाहांडी के लिए आधा चांस बनता है जो भी कहा जाता है कॉर्नर की और आपको बताना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला में बेहतरीन प्लेयर का कर सकते थे
कोई पासी मतलब होता तो जरूर गोल आ सकता अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हाफ चांसेस कहा जाता है जिसको यानी कि कर्नर की को ये बढ़िया था वर्ल्ड क्लास गोल का नजारा डिस्कस करते हुए बर्मेल इलेवन के माध्यम से जबरदस्त क्रॉस बार को टारगेट करते हुए एक गोल किया गया जल्दबाजी में किस प्रकार समानता का गोल वापस किया जाए जिसको हमारे लोकल भाषा में कहा जाता है इक्वलाइज को बाय करना कहा जाता है जिसको फोरस करना जिसको कहा जाता है वही कोशिश है यहाँ पे कलाम भी लगातार बोलता हुआ अपने अटक पर लंबा यहाँ पे थे और अपने खिलाड़ी को ढूंढने में सक्षम है लगभग सेंटर सर्किल के करीब करीब सेंटर आपके करीब करीब यहाँ पे भी सेंटर है क्या दूसरा गोल क्या होगा क्या होगा पूरी रन लेकिन और इस पे बड़ी लंदर पता नहीं कर के चले गला आंखल वहां घर से बाहर आ रहे अरे डरा यार किसी ऐसा आराम से दे रहा है बाय बाय मेरे लंदर खतरे के ऊपर खतरा गोल नंबर दूसरा बोला बिल्कुल देर का छोड़ा निजी बोल रहा है जुदाई खत्म बिल्कुल सारे दर्शक घर वापसी में लगे हुए हैं खड़ा ला पहले मैच से दिख रही मैच देखी लाभ पहनो जो जैन दल जितवार को था बर्नी थी आम बहुत दूर कहीं टिकरा पड़ा रो बर्नी थी आम एक मैच पूरा पूरा मुकाबला फाइनल मुकाबला इसी प्रकार रोमांचक भरा रहा आखिर तक ये मुकाबला कॉम्पिटिशन और ये कॉम्पिटिशन में लगातार अच्छा रणनीति एक ही मिनट में जैसे ही हेडर के साथ कर्नर में गोल आया अगले मौके पर जबरदस्त प्रधानमंत्री रन जबरदस्त ट्रांजिशन और दूसरा गोल लगातार 2-0 का लीड बरकरार रखने की कोशिश करेगी अपना साथ बचाने की कोशिश में अपना जो स्टेट लगातार कलाहंडी डार्क हॉर्स ऑफ द टूर्नामेंट जो कहा जाता था उसी डार्क हॉर्स स्टेट को बचाने की कोशिश करेगी आज हमारे साथ बने हुए हैं जहां कहीं भी फुटबॉल का आयोजन हो या किसी भी स्टेट से लगातार अपना प्रोत्साहन लगातार अपना उत्साह वर्धन करने के लिए जाने जाते हैं तो आज के दिवस में इनका आना और इसी प्रकार दर्शकों का समर्थन इस टूर्नामेंट का एक लेवल बताते हैं।